एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गया। मैं एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत करी, मैं सुबह के 11 बज गए और घर पे इस वक्त दादी, मैं और दादा और पल्लू। पल्लू है मेरी कजन। हाय गाइस। और पल्लू आज बहुत टाइम के बाद आई है, मतलब ये लोग कुल्लूम होते हैं तो ये घर आई है, तो फिर आज मेरे पास आई है। पिछले कल से मैं को बोल रही थी कि मैं घर नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, जबकि जो इसकी छोटी बहन है, ये दोनों ट्विन सिस्टर है, जुड़वा सिस्टर है। तो जब उस पायल ने मेरे को बताया था कि दीदी पल्लू घर आ रही है, और ये मेरे को बोल रही नहीं मैं घर नहीं आ रही, सरप्राइज दे रही थी, सरप्राइज, मुझे सरप्राइज देने वाली थी, मेरा ही पोपट बन गया। फिर मैंने इसको बोला कि जल्दी जल्दी नहीं तो मैं चले जाऊंगी। फिर इसको सच्ची बोलना पड़ा कि हाँ मैं घर आई हूँ, और इन लोगों का घर गाँव में, लोग गाँव में रहते हैं। तो अभी हम लोग बैठे थे ऐसे ही, और मम्मी पापा गए दूसरे वाले घर, बगीचे वाले घर, तो हम लोग ऐसे ही बैठे। तो फिर पल्लू मेरे को बोलती थी आप आज ब्लॉग नहीं बना रहे, मैं क्या बनाऊँ यार, रोज़ मैं वही दिखा दिखा के थक गई हूँ, घर वाला कुछ है नहीं, और आजकल मैं घर पे हूँ तो कुछ नहीं है दिखाने को। फिर पल्लू ने मेरे को बोला कि दीदी कुछ और कुछ यूनिक सा करते हैं। फिर मैंने बोला हाँ क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो कुछ अपने कपड़ों की कलेक्शन दिखाओ। फिर मैंने बोला कपड़े तो मेरे पास एक भी नहीं, मैं एक ही सूट लेकर आई रामपुर से। मैंने बोला क्या ही दिखाऊँ, मैं क्या ही दिखाऊँ। फिर मेरे को दिमाग में आइडिया कि हम मम्मी के पेटीकोट की कलेक्शन दिखा सकते हैं, पेटीकोट दिखाएंगे, क्योंकि पेटीकोट बहुत सारे हमारे पास, मम्मी का बहुत सारे पेटीकोट है। फिर भी मम्मी ऐसा बोल रहा मेरे पास तो पेटीकोट ही नहीं है। अब मेरी मम्मी वीडियो देखती होगी, फिर ऐसे बोलेंगे अच्छा तुम मेरे पीठ पीछे मेरे कपड़े लगा ले, चलो मम्मी ये तो हम आपको दिखाने के लिए निकाले कि भाई पेटीकोट क्या आता है। तो थोड़े बहुत मैंने मम्मी के पेटीकोट निकाले, इधर तीन चार जो जो मेरे को अच्छे लगते हैं वो मैंने निकाले, और अभी मैंने फर्स्ट वाला एक पेटीकोट पहना है। इसकी मैंने, और मतलब हमारे तो ना, मतलब पेटीकोट हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो, शादी में जाना हो, मतलब जो भी आता है, मतलब हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, मतलब मैक्सिमम लेडीज़ पेटीकोट ही पहनते हैं, और आजकल तो लड़कियाँ भी पहनते हैं। और सच बताऊँ मेरे को पेटीकोट पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बोले कि मैं हट रही हूँ आप ही बोलते रहो, और मेरे को पेटीकोट पहना बहुत अच्छा लगता है। जब हम शादी में जाते हैं तो मेरे को लगता है कि पेटीकोट पहना, पेटीकोट और मेरे को अच्छा लगता है, तो हम मम्मी के पेटीकोट ही पहनते हैं। मम्मी के पेटीकोट हम आपको आ जाते हैं तो मम्मी के पेटीकोट ही पहन लेते हैं। तो शुरू करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होता है पेटीकोट। और पिछले ब्लॉग में मैंने डाला था एक बारी, एक होता है पेटीकोट, एक होता है क्या उसको, रेस्टा मैंने पिछले ब्लॉग में डाला है, जो मैंने दिखाया था कि पापा की शादी का ड्रेस। तो अगर किसी को नहीं पता है तो वहाँ जाके देखना, वो एक मतलब पूरा ही सिंपल, मतलब पूरा ही होता है, एक ऐसे होता है और मतलब नीचे से फ्रॉक की तरह होता है, मतलब ऊपर से कमीज की तरह है, उसके बाहर से बास्केट नहीं पहन सकते, सदरी बिल्कुल नहीं पहन सकते, तो वो मतलब सिंपल होता है। और जो पेटीकोट होता है वो अलग अलग था, उसमें शर्ट अलग से होगी, और शर्ट में ना इस तरह के बाजू बनते हैं, इसको बोलते हैं हमारी कफ वाली बाजू, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। और ये वाला पेटीकोट मम्मी ने मेरी पसंद से लिया था कि मुझे पिंक कलर अच्छा लगता है, अच्छा भी मुझे वहाँ पर अच्छा लगा था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये वाला लो। तो अभी हम लोग, मैंने शर्ट तो पहन लिए, अब मैं आपको इसका नीचे वाली स्कर्ट पहन के दिखाऊंगी, और लैगी भी पहन के दिखाऊंगी, जो भी है मम्मी के पास थोड़ी बहुत कलेक्शन वो दिखाऊंगी मैं आपको एक एक करके पहन के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना यार, मेरी मेहनत से प्लीज़ बना रही हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम लोग, आज मेरे पास कैमरा मैन है पल्लू, तो अभी ये मेरा कैमरा पकड़ी लिए, तो मैं दिखाऊंगी पहन के जो भी रहेगा। तो बने रही मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो अभी मैंने इसकी शर्ट पहन ली, और लैगी मैंने रेड कलर की पहनी, क्योंकि मैं इस मतलब जो ये वाला है ना शर्ट, तो उसके साथ मतलब मैचिंग लैगी होती है, बट अभी मैंने रेड कलर की पहनी है, मेरे को सारे कमीज की लैगी मम्मी मार डाली, तो मैं सोचा एक ही लैगी निकाली हूँ। तो अभी मैंने इसकी शर्ट पहन ली है, और शर्ट ऐसी, और इसका गला इस तरह से, और पहनूंगी मैं फ्रॉक इस तरह से होता है, और इसे साइड में यहाँ से बांधने के लिए होता है इस तरह से होता है। मैं इसको पहन के दिखाती हूँ एक बार, इसको इस तरह से पहन के, इसको यहाँ इस तरह से जूम आउट भी कर से, जितना आप मतलब सैन कर सकते हो उतना ही टाइट बांधना है, और ये इस तरह से, और अब पहनेंगे हम बास्केट, इसको हमारे बोलते हैं बास्केट सदरी, इस तरह से होती है, इसको पहनते हैं पेटीकोट ऊपर पहनते हैं। और ये देखो बटन नहीं लग रहा, ये नगर ये नोट देते हैं मोरा के तो राम दादी, आप फोन पे गप्पा मारी दादी के साथ, लो अपनी बहन के साथ, पानी
ये हमारा ढाटू होता है ना, ये मतलब कि हमारे यहाँ लेडीज लोग पहनते हैं जो शादीशुदा लोग होते हैं, तो मेरे को मैक्सिमम कमेंट थे कि पीछे की क्यों पहनते हैं। तो फिर जो ये ढाटू होता है, ये मतलब बड़े जो बड़े लोग होते हैं उनको एक रिस्पेक्ट होती है, तो इसलिए पहनते हैं ये शादीशुदा। और मतलब लड़कियाँ भी पहन सकती है, सर का ताज होता है। हाँ, ये और सर का ताज होता है जो मैरिड लोग होते हैं, और मतलब जैसे अनमैरिड जैसे हम लोग, तो हम लोग भी पहनते हैं क्योंकि मेरे को ना ढाटू पहनना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं घर आती हूँ तो मैं हमेशा ढाटू पहनती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ढाटू पहनना। तो हम अगला पेटीकोट पहनते हैं, नहीं तो हम यही रह जाएंगे। तो अभी हमारी एक वीडियो बन गई है, और पल्लू ने मेरे को ऐसा भी नहीं बोला कि दीदी कुछ कान में पहनो, मैंने कान में कुछ भी नहीं पहना, और मेरी बिंदी देखो कितनी बढ़िया, दीदी बिंदी भी पहनो बिंदी पहनो। तो मेरे पास ये छोटे छोटे से इयर रिंग्स है, तो इनको पहनती हूँ मैं अब। और अब हम अपना दूसरा पेटीकोट दिखाते हैं। तो ये है हमारा अगला पेटीकोट, और ये है ब्लू कलर, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मेरा फेवरेट ये वाला है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इसमें देखो मम्मी ने सिंपल बाजू बनाई है इस तरह से, जैसे कमीज में होती है, और इसमें मैंने मैचिंग ढाटू भी पहना है मेरे को, और इस तरह से। तो अब हम नेक्स्ट पेटीकोट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट पेटीकोट, और ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें मेहंदी कलर का है, और वही वाला डिज़ाइन है कफ वाली बाजू का, और इसमें देखो मैचिंग ढाटू, और इसके साथ सदरी ब्राउन कलर की, और ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को सारे पेटीकोट अच्छे लगते हैं जितने भी हैं मम्मी के पास। तो ये है हमारा अगला पेटीकोट, ब्राउन कलर का है, और ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मम्मी इसको पहनते भी नहीं है, और इस तरह का, और ये बहुत चमकता है। तो ये था मेरा लास्ट पेटीकोट रेड कलर का, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। माय गॉड, मेरे को खुद से लग रहा है कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, इतनी सुंदर मैं हूँ नहीं, बट इसमें मैं सुंदर लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। तो ये था मेरा लास्ट पेटीकोट। वैसे तो और भी बहुत सारे पेटीकोट है, मैंने अभी अलमारी खोल के रखी है, और भी बहुत सारे पेटीकोट है, मतलब 2-3 पेटीकोट और है जो कि मैंने पहन के नहीं दिखाई, क्योंकि फिर वो मम्मी के बिल्कुल नए नए पेटीकोट है, उसके लिए मम्मी मेरे को मार डालेंगे कि तूने मेरे नए नए पेटीकोट निकाले, तो फिर वो मैंने नहीं निकाले हैं। तो जो थोड़े बहुत ये दिखाए आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे मेरी मम्मी की पेटीकोट कलेक्शन। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कौन से वाले पेटीकोट में सबसे सुंदर लग रही थी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हमने सारा कपड़े वगैरह नीचे ज़रूर किया, ये रहा हमारा कैमरामैन, और हम पल्लू ने मेरी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, और मेरे लिए रील्स के लिए भी बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाई हम लोगों ने। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, शबू ठाकुर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लगती है, प्लीज 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 मैंने किया बहुत मेहनत, हाँ इसके बोलने पे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करें चैनल। तो अभी हमने ये वीडियो बनाई, अब हमारे को गंद समेटने को, यानी कि इतनी सारी गंद फैलाई है ना, कपड़े सारी ढेरी, अलमारी भी खुली पड़ी है आधी, मैंने मम्मी के कपड़े से लाए, मम्मी के अलमारी से लाए कपड़े ऊपरी तरफ से। तो अभी हमारे कपड़े सारे वगैरह ठीक करने हैं, नहीं तो फिर मम्मी हमारे को मार डालेगी, मम्मी के आने से पहले हमारे को सारा काम फिनिश करना है। तो इस सेकंड में यही करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।